पे ऑप्शन बटन मैंने क्लिक किया, तो अभी मुझे पे करना है। आप पॉइंट से कर सकते हैं या कार्ड से कर सकते हैं, तो मैंने कार्ड से पे करूंगा। Gleis 1, Einfahrt S5 nach Strausberg. Vorsicht bei der Einfahrt. मेरा पेमेंट अभी हो गया, आई हैव टू वेट। यहाँ पे देखिए टिकट आ गया मेरे पास। अभी ये जो टिकट है ये सिर्फ 2 आवर्स पहले निकलाएगा, तो ये टिकट मुझे पंच करना पड़ेगा। बस firstly I would like to say very good morning to everyone. अभी बर्लिन में टाइम हो रहा है 7:30। सो आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट का बहुत सारे अपडेशन आया है। अभी जैसे इंडिया में होता है RTO, वैसे जर्मनी में होता है BVG। ओके, सो मुझे एक हफ्ता पहले BVG से एक लेटर आया था एंड उन्होंने इन्फॉर्म किया है फ्रॉम 1 May इन लोग टिकट चालू कर रहे हैं 49 यूरोस का। ठीक है, सो 49 यूरोस टिकट में क्या होता है, आप जर्मनी में कहीं भी जगह में, अब एंटायर जर्मनी आप जा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टिकट खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ओनली 49 यूरोस, बट देर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 49 यूरोस टिकट है आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैं आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन के ऊपर BVG का एप्लीकेशन, मैं BVG एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये जो टिकट है 49 यूरोस टिकट, आपको आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक महीने के लिए लेते हैं। जर्मनी में कोई भी सर्विस, मोबाइल सिम कार्ड से लेकर ट्रैवल कार्ड और नहीं तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लेना पड़ता है। बट अगर आप एक महीने के लिए सिर्फ लेना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अभी एज एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, अभी क्या है जो टिकट होता है ये टिकट का भी कॉस्ट है 29 यूरोस पर मंथ, बट ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड आप ए एंड बी जोन ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सेम टिकट अगर आप एक महीने के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें उसका कॉस्ट आएगा 86 यूरोस। समझ सकते हैं कितना डिफरेंस होता है। एंड अभी का जो टिकट है 29 यूरोस उसमें एंड 86 यूरोस दोनों का मैं बता रहा हूँ बेनिफिट क्या होता है। स्पेशली सैटरडे संडे आपके साथ कोई भी एक पैसेंजर जा सकते हैं विदाउट एनी टिकट, क्योंकि आपके पास एक टिकट है एंड आप आपका पेट भी लेके जा सकते हैं एंड आप एक साइकिल भी लेके जा सकते हैं आपके साथ। तो ये बेनिफिट है 86 यूरोस का, 29 यूरोस का। बट देयर इज अ ड्रॉबैक इफ आई कंपेयर 49 यूरोस टिकट एंड 29 यूरोस टिकट। सो 29 यूरोस टिकट का क्या होता है, आप ए एंड बी जोन, ओनली ए एंड बी जोन ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर जर्मन बर्लिन के अंदर इन लोगों ने टोटल एरिया को ए बी सी जोन में डिवाइडेड किया है। ए जोन मतलब होता है जो प्योर कमर्शियल हब, बिजनेस हब, बड़े बड़े ऑफिस, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो हब होता है वो होता है ए जोन। एंड बी जोन होता है मान लीजिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट हो गया, थोड़ा सा आउटस्कर्ट मतलब ऐसे नहीं तो गाँव एरिया। एंड सी जोन होता है जहाँ पे आपका पूरा गांव एरिया रहता है या इंडस्ट्रियल बेल्ट जिसको बोलते हैं वो इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है एंड फार्मिंग एरिया बहुत होता है, ये हो गया सीजन। बट 29 यूरोस टिकट में आप सिर्फ, या अगर आपके पास 86 यूरोस का टिकट है आप सिर्फ ए एंड बी जोन जा सकते हैं। सीजन आप जा नहीं सकते, सीजन जाने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा
सीजन का टिकट कैसे खरीदना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन, और नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल टिकट मशीन है, आप वहाँ पे करके आप टिकट लेके आपको खुद ही पंच करना पड़ता है। तो सिस्टम में अभी आपको दिखा रहा है, बट 49 यूरोस टिकट में कोई भी जगह जा सकते हैं एंटायर जर्मनी, कोई छोटा स्टेट हो गया, कोई छोटा सिटी हो गया, या बड़ा सिटी बड़ा स्टेट कहीं भी आप जा सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा मनी। बट कंडीशन इज दैट आप सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ही अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो रेलवे सिस्टम है इंडिया जैसे नहीं है, सब पब्लिक है। यहाँ पे ICE ट्रेन हो गया, फ्लिक्स ट्रेन हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेन होता है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसफर होता है वो होता है लोकल ट्रेन्स एंड RE जो इंटरसिटी कनेक्शन करते हैं। तो आप यही दो सर्विस अवेल कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आज मैं बर्लिन में हूँ एंड मैं कल फ्रैंकफर्ट पहुँचाऊँ, तो मैं RE से ही जा सकता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, बट यस यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड अब जब फ्रैंकफर्ट पहुँचेंगे वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ट्राम हो गया, बस हो गया या ट्रेन हो गया, तो आप उसका अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। एंड लास्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जो अभी जो आप लोग जो एप्लीकेशन देख रहे हैं फिर से मेरे स्क्रीन पे, ये एप्लीकेशन मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंडेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन जैसे बर्लिन हॉफबाहनहोफ हो गया, देन अलेक्जेंडर प्लैट्स, वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक सर्विस सेंटर ऑफिस रहता है, तो वहाँ पे आप जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके आप 49 यूरोस टिकट ले सकते हैं। क्योंकि अब जब नॉर्मल हम लोग जब ऐप पे आते हैं उन लोग बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूछते हैं, एंड अगर हम लोग सब एप्लीकेशन को पूरा इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, बट बहुत सारे चीज़ रहता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स डॉयच में भी रहता है, तो समटाइम्स इट इज़ सो मच कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टू एवरीवन, आप लोग डायरेक्टली हॉफबाहनहोफ स्टेशन में, कोई भी हॉफबाहनहोफ स्टेशन में जाके आप लोग टिकट वहाँ से परचेस कीजिए। आई वुड लाइक टू शो यू हाउ टू बाय अ टिकट फ्रॉम हियर। मान लीजिए अभी मेरे पास 29 यूरोस का टिकट है, ये हो गया मेरे पास कार्ड, 29 यूरोस का टिकट का कार्ड होता है, ठीक है। बट मैं अभी सीजन जाने वाला हूँ एयरपोर्ट के साइड, तो मुझे टिकट लेना पड़ेगा एक्सटेंशन टिकट। अगर मेरे पास वो टिकट नहीं रहेगा, अगर टिकट चेकर आएंगे दे कैन चार्ज मी 60 यूरोस। एक्सटेंशन टिकट शायद 1 या 2 यूरो में हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं रहेगा दे विल चार्ज 60 यूरोस फॉर अ डे। सो बी केयरफुल इन दैट केस। आई वुड लाइक टू शो यू दैट हाउ टू परचेस इट मैनुअल टिकट, ओके, फ्रॉम दिस मशीन। से आप देख सकते ये मशीन है, यहाँ से मुझे टिकट लेना पड़ेगा। सो मैंने लैंग्वेज चेंज किया इंग्लिश, देन एक्सटेंशन टिकट बर्लिन ये वाला, देन 1 यूरो 80 सेंट्स। तो मैं इसमें पे करना चाहती हूँ, पे ऑप्शन बटन मैंने क्लिक किया, तो अभी मुझे पे करना है। आप पॉइंट से कर सकते हैं या कार्ड से कर सकते हैं, तो मैंने कार्ड से पे करूँगा। मेरा पेमेंट अभी हो गया, आई हैव टू वेट। यहाँ पे देखिए टिकट आ गया मेरे पास। अभी ये जो टिकट है ये सिर्फ 2 आवर्स बन निकल आएगा, देन ये टिकट मुझे पंच करना पड़ेगा। देखिए पंच हो गया। सो ये था सारे का सारे प्रोसेस। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स हू वुड लाइक टू कम टू जर्मनी, एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, एंड दोस हू डिडंट प्लीज डू दैट, बिकॉज योर सपोर्ट मोटिवेट मी टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू एंड बी सेफ।